इंडोनेशिया के बाली इलाके में ये तोफाटी चौराहा है, जहाँ पर आपको भगवान राम और उनकी वानर सेना की जो है मूर्तियाँ नजर आ रही हैं। ये देखिए, ये इसमें जो दिखाया गया है, जिस रामकथा का चित्रण किया गया है, इसमें बताया गया है कि भगवान राम और उनकी वानर सेना किस तरह से राम सेतु का निर्माण कर रही है लंका जाने के लिए। देखिए, वानर सेना में दिख रहे हैं आपको, हनुमान नज़र आ रहे हैं, नलनील नज़र आ रहे हैं, और इनको अलग अलग जो है रंगों से चित्रण किया गया है। और देखिए, वानर सेना किस तरह से एक्शन में नज़र आ रही है वो भी बताया गया है, पत्थरों को ले जाते हुए, पत्थरों को तोड़ते हुए, ये तमाम चीज़ों का चित्रण है। आपको बता दें, इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, और इंडोनेशिया के बाली में जो है सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है। तकरीबन 89 से 90% जो है वो हिंदुओं की आबादी बाली में है, जबकि इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। लिहाजा इस जगह आपको रामायण, महाभारत, रामकथा से जुड़ी हुई बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, पत्थरों पर चित्रकलाएँ और इस तरह से मूर्तियाँ आपको जगह जगह गली चौराहों पर देखने को मिलती हैं। जिस तरह से ये अद्भुत चित्रण मूर्तिकला के जरिए भगवान राम के सेतु निर्माण का और उनकी वानर सेना को दिखाया गया है, और साथ में समुद्र की लहरें जो है वो भी आप जो नीले और सफ़ेद कलर से दिखाया गया है, वो समुद्र की लहरों के बीच किस तरह से भगवान राम और उनकी वानर सेना राम सेतु का निर्माण कर रहे हैं वो तस्वीरें नज़र आ रही हैं इस जगह पर। तो ये अद्भुत चित्रण है इंडोनेशिया के बाली में, और जहाँ पर आपको तमाम तरह की चीज़ें, नकुल, सहदेव, महाभारत से जुड़ी हुई चीज़ें नज़र आती हैं, रामायण से जुड़ी हुई चीज़ें नज़र आती हैं, और भगवान राम, सीता और उनकी जो वानर सेना है वो भी नज़र आती है। इस जगह पर जो है भगवान राम और उनकी वानर सेना ही दिखाई दे रही है, जो आप मूर्तियों के जरिए देख रहे हैं इस जगह पर, इस मुख्य चौराहे पर। धन्यवाद।